नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं इस एक्सेल 2016 एंड 19 की वीडियो डीवीडी के अंदर में। और हमारे डीवीडी की सीरीज की रिकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किए थे फाइल मेनू के ऑप्शंस, कि एक्सेल के फाइल मेनू बार के अंदर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो फाइल मेनू बार के सारे ऑप्शंस और सारे थिंग्स सोचने के बाद हम बात कर रहे हैं होम मेनू बार के, और हम मेनू बार के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं क्लिप बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो हमारी अगली कुछ वीडियोज क्लिप बोर्ड से रिलेटेड होगी। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी गई है, तो आप यूट्यूब पे आईपीटी इंडिया सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी क्लासेस की बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। लेकिन यूट्यूब पे मैंने सिक्वेंसली वीडियोज नहीं डाल लिए हुए हैं, क्योंकि हम डीवीडी से आउट करते हैं, जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस देते हैं। तो आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस मेरे साथ ले सकते हैं या फिर हमारे डीवीडी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हम बात कर रहे हैं क्लिप बोर्ड में कॉपी एंड पेस्ट की। तो हमने कुछ ऐसी डेटा हमने मान बना लेते हैं, क्योंकि छोटा डेटा पे इफेक्ट जल्दी आता है, इसलिए एक छोटा डेटा हम बना लेते हैं जिसमें हमने नेम वगैरह दे दिया, और हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी दे देते हैं। हाँ, इक्वल हमने इसमें प्लस वन करके फॉर्मूला देते हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है, वो आता है रैन बिटवीन का। तो चलिए हम रैन बिटवीन का भी फॉर्मूला यहाँ दे देते हैं। तो रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर निकाल के देता है कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, डेटा में रैंडम सैंपल डेटा या फिर ओटीपी टाइप का कुछ बनाना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। हर बार चेंज होता है, जब भी कहीं पे कुछ इवेंट करते हो तो इसका यूज करते हैं। अब हम इसको बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट किए तो हम जैसा डेटा उस तरह का आएगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें फैसिलिटी देता है कि जब आप कुछ जो कॉपी एंड पेस्ट करते हो उसमें का सारा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट को आप पेस्ट करें। तो पेस्ट स्पेशल में आप जाएंगे तो सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपने फॉर्मूला किया तो फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमारे डेटा में यहाँ फॉर्मूला तो नहीं है, फिर फॉर्मूला को क्यों पेस्ट हुआ। तो फॉर्मूला के मतलब होता है जो फॉर्मूला बार के अंदर शो हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बार में अगर फॉर्मूला शो हो रहा है तो फॉर्मूला ही दिखेगा, फॉर्मूला ही पेस्ट होगा। डेटा दिखेगा तो डेटा ही पेस्ट होगा। तो इसी तरह से अगर हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हम वैल्यू करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो आपका वैल्यू पेस्ट होगा, आपका डेटा पेस्ट नहीं होगा। वैल्यू का एक और इस्तेमाल होता है कि जैसे कि आपके पास जब बड़े बड़े डेटा से बने रिपोर्ट्स होते हैं और उस रिपोर्ट को किसी को आप मेल करते हैं, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहां मैं चाहता हूं कि अपने इस फॉर्मूला का लिंक तोड़ना, क्योंकि हर बार जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो हमारा ये अपडेट होता है। तो हम फॉर्मूला को कॉपी करके इसी के ऊपर हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे तो ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा, और इसका हम अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई रिपोर्ट्स अगर मैं निकालूं, आपको कोई डैशबोर्ड या कोई डेटा निकालूं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डैशबोर्ड है, इसी को खोलता हूं मैं। ये डेटा देख रहे हैं आपको। अब ये डेटा लिंक है हमारे इन दोनों डेटाबेस से। अब मान लीजिए मुझे ये रिपोर्ट किसी को मेल करनी है, तो अगर मैं किसी को मेल करता हूं तो मजबूरन इसका डेटा मुझे मेल करना पड़ेगा। अगर हम डेटा मेल करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये फॉर्मूले से लिंक है।
मैं डेटा को मेल नहीं करना चाहता क्योंकि डेटा सिक्योरिटी है या फिर लार्ज फाइल है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी, और क्रिएट कॉपी पे जाएंगे, न्यू वर्कबुक पे, और यहाँ एक फाइल बन के एक नया फाइल में पूरी की पूरी शीट हमारी कॉपी हो जाएगी। और मुझे इसमें सिर्फ फॉर्मूले को रिमूव करना है, तो पूरे शीट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू करूँगा, तो जितने भी इसके अंदर लगे फॉर्मूले हैं सारे देखिए रिमूव हो गए। तो इस तरह अब मैं रिपोर्ट मेल करूँगा तो रिपोर्ट सबको दिखेगा क्योंकि इसका किसी फॉर्मूले के साथ कोई लिंक नहीं रहा। तो आप भी इसका इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला को पेस्ट करता है। पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है, इसकी वैल्यू को पेस्ट करता है। अगला ऑप्शन है हमारा पेस्ट एज ए फॉर्मेट, कि पेस्ट स्पेशल में अगर हमने फॉर्मेट किया तो इसकी फॉर्मेटिंग को सिर्फ पेस्ट करेगा, बाकी किसी चीज को पेस्ट नहीं करेगा। तो पेस्ट जो फॉर्मेटिंग के बाद क्या होता है, कमेंट्स। कमेंट क्या होता है जिसको जानिए, कि मान लीजिए मार्क्स है और मुझे इस मार्क्स से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ करूंगा इंसर्ट कमेंट, और जो भी कमेंट है हम यहाँ डाल देंगे, कि यहाँ दिस डाल देता हूँ कि दिस इज फाइनल मार्क्स। अब क्या होगा कि ये नहीं शो करेगा कमेंट, कब शो करेगा, जब आप इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे। अब मुझे कहीं कॉपी करना है तो ओनली फॉर दिस इसकी कमेंट को करना है, ना कि डेटा को करना है। तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में कमेंट को सिलेक्ट करें, तो सिर्फ कमेंट को पेस्ट करेगा, बाकी चीज को पेस्ट नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर करते हैं, तो सब कुछ आएगा, इसका बॉर्डर नहीं आएगा। उसी तरह से आप पेस्ट इसको पेस्ट करते हैं तो इसका कॉलम का विड्थ नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, ऑटो फिट कर दिया ताकि एक पेज में फिट हो जाए। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करता हूँ तो इसकी इस कॉलम की विड्थ नहीं आ रही, विड्थ को वापस हमें सेट करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ हमारे पास आता है कॉलम विड्थ। ध्यान रखिएगा कॉलम विड्थ सिर्फ विड्थ पेस्ट करता है, डेटा पेस्ट करने के वापस आप नॉर्मल पेस्ट कर दो आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा, या फिर आप 1690 जैसे 1369 जैसे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो आप असेंबल पे क्लिक करेंगे तो असेंबल पे आपको यहाँ दिखेगा, जिसमें आप कीप सोर्स कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करेंगे तो कॉलम भी विड्थ भी आएगा और इसका डेटा भी आएगा। अब एक प्रॉब्लम डेटा पेस्ट करते समय होता है, चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जब भी कोई डेट आप डालते हैं और उस डेट को अगर आप फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लीकेबल है उसको आप कॉपी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेटा पे पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो तो नंबर में हो जाता है। अब कुछ लोग समझते हैं कि जो नंबर है 43435 मतलब 43435 ये किसी तरह का कोड है, तो मैं बता दूं कि किसी तरह का कोड नहीं है, ये नंबर ऑफ डेज है जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, जो डेट हमने डाला है तब तक का। तो कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट कब से हुआ है, तो 1 जनवरी 1900 से। अब इसको साबित कैसे करेंगे, तो साबित करने का उपाय है कि आप इसको 1 करें और इसके ऊपर मैं डेट का फॉर्मेट अप्लाई करता हूं, तो एक दिन इट मीन्स 1/1/1900 इट्स स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर 31 डे डालूं तो 31, अगर 32 करूंगा तो देखिए मंथ चेंज हो जाएगा, मंथ चेंज हो गया, सेकेंड मंथ आ गया। उस तरह से मैं अगर ईयर चेंज करूं, मैंने डेट डाला 368 दिन दिया तो ईयर चेंज हो गया। ऐसे मैं 43435 डालूं तो ये हमारा 1 दिसंबर बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा किया क्यों किया,
देखिए, एक सिंपल सा मेथड है कि आप किसी भी एक नंबर के साथ किसी भी तरह का टेक्स्ट आप लिखते हैं तो उसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में डेट नहीं है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट करूँ तो ये आपका नंबर ऑफ नंबर दिखेगा, तो जो कैलकुलेशन हुआ वो पर्टिकुलर नंबर पे आया और रिजल्ट भी हमारा नंबर हुआ। जब डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो डेट का फॉर्मेट एक कन्वर्टिंग स्टार्ट करता है और 30 से 31 के बाद मंथ, 365 66 के बाद ईयर, ऐसे चेंज करके एक डेट बना देता है। जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, तो वो डेट भी एक तरह का फॉर्मेट उसको रिमूव कर देता है। तो पेस्ट स्पेशल करते समय आप फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का यूज करेंगे, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो नंबर की फॉर्मेटिंग होगी, जैसे डेट, टाइम, कॉमा, डेसिमल, मतलब कि नंबर वार की जो फॉर्मेटिंग होगी, ये फॉर्मेटिंग आपका रहेगा। बाकी बाकी जो फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगे। तो ये तरह हमारा पेस्ट स्पेशल की पहले पार्ट। अगले वीडियोज में हम आपको अगले पार्ट बताएंगे, लेकिन वो वीडियोज हमेशा यूट्यूब पे जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप हमारे डीवीडी या हमसे लाइव क्लासेस लेंगे तो हम हर एक चीज़ बात की चीज़ों के डीवीडी लेते हैं तो उसकी रिकॉर्डेड सेशन मिलेगी, अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि मैं हमेशा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।